दोस्तों आज की कहानी है देवरानी जी, सास पर भेदभाव का इल्जाम मत लगाओ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दिल साता है ऐसा हार मेरे पास भी हो, बेहद खूबसूरत आ रहे आपका दीदी। फिर नंदिनी कुछ पल सोचते हुए बोली, दीदी यह हार सासू माँ ने आपको ज़्यादा पैसे देकर बनवाया होगा, क्योंकि हमारे पति और ससुर अपनी सारी कमाई उन्हीं के हाथ में रख देते हैं। मम्मी जी आपको रोजाना मुझसे ज़्यादा जेब खर्च देती होगी, सासू माँ मेरे साथ करती हैं, यदि ऐसा नहीं करती तो आपके पास इतना खूबसूरत हार बनवाने के लिए पैसे कहाँ से आए। नंदिनी ने अपनी जेठानी खुशबू से उसके गले में खूबसूरत हार देखकर कहा, तो खुशबू उसे समझाते हुए बोली, नंदिनी ये तुम्हारा बहम है कि मम्मी मुझे रोजाना तुमसे ज़्यादा पैसे देती। एक दिन मैंने अपने कानों से सुना था, जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, पापा जी मम्मी को ऑफिस से आकर तनख्वाह के पैसे देते हुए कह रहे थे, दोनों बहुओं में कभी फर्क मत करना, उन्हें रोजाना बराबर जेब खर्च देना। यदि तुमने किसी दिन बहुओं में भेदभाव किया तो उसी दिन से मैं और दोनों बेटे तुम्हें अपनी तनख्वाह देनी बंद कर देंगे। तब मम्मी पापा उनसे वादा करते हुए बोली, मैं अपनी बहुआ में कभी भेदभाव नहीं करूंगी, उन्हें रोजाना बराबर जेब खर्च दूंगी। सस कहो मम्मी हम दोनों में कभी भेदभाव नहीं करती, वह हमेशा में बराबर जेब खर्चती हैं। यदि तेरा दिल चाहता है ऐसा हार पहने को तो तू इसे अपने पास रख ले, मैं दूसरा हार बनवा लूंगी। परंतु सासू माँ पर कभी भेदभाव करने का इल्जाम मत लगाना। खुशबू की बात सुनकर नंदिनी आरस्य से बोली, दीदी आप इतना पैसा कहाँ से लाओगी, क्या जेठ जी आपको अलग से पैसे देते। देवरानी की बातें सुनकर खुशबू मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पति कभी मुझको अलग से पैसे नहीं देते, वह जो भी कमा कर लाते हैं सब मम्मी के हाथ पर रख देते। मम्मी जी रोजाना हमें जेब खर्च के जो पैसे देती हैं, मैं उन्हें खर्च करने की बजाय अपने पास जमा कर लेती हूँ। नंदिनी बूंद बूंद से ही गड़ा पड़ता है, मैंने उन्हीं पैसों को जोड़कर ही अपने लिए हार बनवा लिया, तू अपने पैसों को जोड़ने की बजाय मौज मस्ती में उड़ा देती हो। मैंने तुझे कितना समझाया था कि जब सास ससुर घर में खाने पीने की हर चीज़ का बंदोबस्त करके रखते, फिर तू बाहर के खाने पर पैसे क्यों बर्बाद करती है, क्योंकि बाहर के खाने से पैसे तो बर्बाद होते ही हैं, साथ में स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। परंतु तुमने मेरी बात कभी मानी नहीं, खाने का शौक होना अच्छी बात है, परंतु तुम कई बार अपनी सहेलियों की देखा देखी ऐसे चीज़ें भी खरीद लेती हो जो हमारे किसी काम की नहीं होती, उनमें भी तो पैसा बर्बाद होता है। यदि तुम भी मेरी तरह पैसा जोड़ लेती तो आसानी से अपने लिए हार बनवा लेती। देवरानी सास पर भेदभाव का इल्जाम लगाना तो आसान है, परंतु पैसा जोड़ना मुश्किल। यदि मम्मी को पता चल गया कि तुम उन पर भेदभाव का इल्जाम लगा रही हैं तो उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि वह हमेशा हम दोनों को बराबर और प्यार और सम्मान देती हैं। दीदी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने बगैर जाने मम्मी जी पर भेदभाव का इल्जाम लगा दिया, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद में मम्मी के लिए ऐसी बात कभी नहीं कहूँगी, मैं वादा करती हूँ अपना पैसा बर्बाद करने की बजाय जमा करा करूँगी, ताकि मैं भी उन पैसों से जो मेरा दिल सही हुआ बनवा सकूँ। नंदिनी ने
शर्मिंदगी भरे सबर में कहा तो खुशबू ने भी उसे माफ करते हुए प्यार से उसे गले से लगा लिया।